अनन्या को लग रहा था कि जो मैसेज आया है वो रमेश का या फिर महेश का होगा। उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि रमेश ने उसकी छुट्टी कैंसिल कर दी होगी, लेकिन जब वो मैसेज देखती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि आरंभ का था। आरंभ बड़े प्यार से उससे बोलता है, तुम सो गई हो क्या? अनन्या तुरंत अपना फ़ोन हाथ में उठाती है और उससे जवाब देती है, नहीं मैं तो लंदन जाने की तैयारी कर रही हूँ, मेरी माँ भी मेरे साथ जा रही है। फिर आरंभ अनन्या से पूछता, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रखने का इंतज़ाम करवा सकता हूँ। अनन्या जानती थी कि उसकी माँ भी उसके साथ रहेगी, इसलिए उसे बहुत केयरफुल रहना होगा। वो आरंभ को मना करते हुए रिप्लाई करती, नहीं आरंभ इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस एक ब्रेक पर जाना चाह रही थी। आरंभ समझ सकता था कि अनन्या को अकेले घूमने जाना, लेकिन फिर भी उसे उसकी चिंता थी। वो बड़े प्यार से अनन्या को मैसेज पर बोलता है, अनन्या मैं अपने कुछ लोगों को तुम्हारे पीछे भेज दूंगा, मुझे तुम्हारी चिंता है इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, चिंता मत करो तुम्हारी माँ को पता नहीं चलेगा। अनन्या मुस्कुरा कर कहती, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मुझे भरोसा है कि तुम जो भी करोगे वो मेरे भले के लिए ही करोगे। चलो अब मुझे कल जल्दी जाना है इसीलिए मैं अब सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। आरम की तरफ से गुड नाइट मैसेज आता है और दोनों की चैटिंग बंद हो जाती। कुछ देर में वो देखती है कि आरम ने उसे कुछ तस्वीरें भेजी, वो सभी तस्वीरें अनन्या की थी। अनन्या ये देखती है और खुश होने लगती है, उसे खुद के ऊपर हंसी भी आ रही थी। कुछ तो उसकी ऐसी अजीबोगरीब फोटोज थी जिसे देखकर वो अपनी हंसी को ही नहीं रोक पा रही थी। अनन्या फिर से आरम से चैटिंग करते हुए बोलती है, ये सारी बस मेरी फोटोज़ क्यों है, मुझे कुछ अपनी फ़ोटो भी तो भेजो। थोड़ी देर में आरंभ अपने ऑफिस में बैठे हुए एक फ़ोटो भेजता। अनन्या उसकी फ़ोटो देखकर थोड़ी हैरान हो जाती, वो तुरंत उससे पूछती, तुम इतनी रात में ऑफिस में क्या कर रहे हो? आरंभ उसको जवाब देता, वो कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसलिए मुझे आना पड़ा। आरंभ अनन्या को आरंभ की हेल्थ की चिंता होने लगती, उसे समझाते हुए कहती, आरंभ तुम्हें थोड़ा आराम भी तो करना चाहिए, तुम जल्दी से काम ख़त्म करो और घर चले जाओ, इतनी देर रात तक जाकर काम करना अच्छी बात नहीं है। अनन्या आरंभ को लेकर काफ़ी चिंता कर रही थी। कभी कभी तो उसे लगता था कि वो एक पुराने ज़माने की बीवी की तरह बनकर आरंभ को डांटती है। आरंभ ये देखकर बहुत खुश होता कि अनन्या उसकी बहुत फिक्र करती है। आरंभ भी बड़े प्यार से उसको जवाब देता है, ठीक है लेकिन तुम भी जाकर सो जाओ, तुम्हें कल जल्दी उठना है ना। अनन्या कुछ जवाब नहीं देती और बस उन तस्वीरों को देखने लगती। उन सारी तस्वीरों को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। बस उन तस्वीरों में उसे एक बात की कमी लग गई थी कि कोई भी फोटो में वो आरंभ के साथ नहीं थी। काश वो दोनों एक साथ हो जाते तो ये सारी तस्वीरें और निखर कर आती। अनन्या को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि आरंभ जैसा आदमी जो फोटोज से नफरत करता है वो अनन्या की इतनी सारी फोटो खींच रहा था। एक तरफ अनन्या आरंभ के साथ अपने फ्यूचर की बात कर रही थी तो वहीं नीचे उसके माँ बाप उसके एक अलग ही फ्यूचर की बात कर रहे थे। रक्षा थोड़ी घबराते हुए कहती, जयदेव ना जाने क्यों मुझे डर लग रहा है, शायद हमें अनन्या के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद जयदेव गुस्से में उसको देखने लगते। वो उससे समझाते हुए कहता, रक्षा तुम्हें अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं तुमसे बोलता हूँ उतना ही तुम करो, तुम उस औरत से मिलने के बाद सीधा अनन्या को लेकर उस आइलैंड पर आ जाना, बस इसके बाद क्या और कैसे करना है वो मैं जानता हूँ, एक बार अनन्या वहाँ पर आ गई तो उसे हमारी बात माननी ही पड़ेगी। ये सुनने के बाद रक्षा कुछ नहीं बोलती, वो जानती थी कि वो जयदेव के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। सोते वक्त भी अनन्या को बार बार उसी पार्टी का ध्यान आ रहा था, रमेश ने जो अपना हाथ उसके शरीर पर लगाया था उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई भी गैर आदमी उसे ऐसे छुए। अनन्या को सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि उसके पिता ने उसका साथ देने की बजाय रमेश से माफ़ी मांगनी ज़रूरी समझी। ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी अब उसकी नहीं रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो चाह कर भी कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। अनन्या अपने मन में बोलती, मुझे उम्मीद है कि छुट्टी के बाद मेरी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव ज़रूर आएगा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँ, मैं किसी के इशारों पर अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती, मैं चाहती हूँ कि जिसे मैं पसंद करूँ मैं उसी से प्यार करूँ और मेरी चॉइस के ऊपर कोई भी मुझे मना ना करे, न जाने ऐसा दिन कब आएगा। ये बोलने के बाद अनन्या गहरी नींद में सो जाती। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसका अनन्या को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। अनन्या जल्दी उठती है और अपना सामान पैक करने लगती है। रक्षा भी अपना सामान पैक कर लेती। रक्षा ने सारी ज़रूरी चीज़ें पैक कर ली थी,
वो जानती थी कि उस आइलैंड में किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली। कुछ ही देर में वो दोनों माँ बेटी एयरपोर्ट पहुंच जाते। अनन्या और रक्षा दोनों प्लेन में अपनी अपनी सीट पर बैठती और प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता। अनन्या की नजर खिड़की पर पड़ती है। जैसे ही प्लेन थोड़ा हवा में जाता है तो वो देख सकती थी कि शहर की सबसे मशहूर बिल्डिंग उसे दिखाई दे रही है। ये किसी और की नहीं बल्कि आरएम की बिल्डिंग थी। आरएम की बिल्डिंग पूरे देश में ऊंची इमारतों की लिस्ट में गिनी जाती थी। अनन्या अपने प्लेन की खिड़की से उस इमारत की झलक देख पा रही थी। बिल्डिंग देखकर अनन्या बहुत खुश हो जाती। लंदन की फ्लाइट काफी लंबी थी और इसके दौरान अनन्या सिर्फ पानी पीती है। उसने कोई भी चीज नहीं खाई थी। उसे डर था कि अगर उसने कुछ खाया तो उसे उल्टी होने लगेगी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को जरा सा भी उस पर शक हो कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ घंटों बाद वो लंदन पहुंच जाते। रक्षा और अनन्या लंदन के सबसे मशहूर होटल में रुकने के लिए जाते। अनन्या ने जानबूझकर होटल में दो रूम्स लिए थे। रक्षा ने उसे कई बार समझाया कि एक रूम से काम चल जाएगा, लेकिन उसने फिर भी दो रूम लेने की जिद पकड़ रखी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ उसके रूम में रहे ताकि उसके पकड़े जाने के चांसेस बिल्कुल कम रहें। अनन्या जल्दी से अपने कमरे में घुसती है और बहुत सारा खाना ऑर्डर करती। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। जब वो खाना खा रही थी ठीक उसी वक्त उसका फोन बजता है। लगता है तुम बहुत थक गई हो, तुम्हारी आवाज़ में भी अब मुझे जोश नहीं दिखाई दे रहा। अनन्या समझ जाती है कि फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि उसके प्यार का ही होगा। वो मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है, मैं ज़्यादा थकी हुई नहीं हूँ। आरएम फिर बड़े प्यार से उसको बोलता है, अनन्या मुझे वहाँ तुम्हें अकेले नहीं भेजना चाहिए था। मेरा मन कर रहा है कि काश मैं भी तुम्हारे पास आ सकता। एक तो वहाँ पर तुम अपनी माँ के साथ गई हो इसलिए मुझे और चिंता सता रही। ना जाने क्यों अंदर ही अंदर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ना जाने क्यों मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अनन्या आरएम की बात सुनकर मुस्कुराने लगती। ज़्यादातर केसेस में औरतें मर्दों की चिंता करती थी, लेकिन उसके केस में बात कुछ और ही थी। वो बोलती है, तुम्हें मेरी याद आ रही है, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? आरएम तुम कबूल क्यों नहीं कर लेते कि तुम मेरे बिना रह नहीं सकते? आरएम अनन्या के सामने अपनी चिंताओं को लाना नहीं चाहता था। आखिर था तो वो एक मर्द ही। वो तुरंत उसे मना करते हुए कहता, नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बस हमारे बीच की दूरियां मुझे परेशान करती है। मैं नहीं चाहता कि हम लोग अब और ज़्यादा दिनों तक दूर रहें। मैं चाहता हूँ कि पहले की तरह हम लोग साथ में रहें। अनन्या समझ सकती थी कि आरएम उससे मिलने के लिए बेचैन है। उसका बॉयफ्रेंड उसके बिना जरा भी नहीं रह सकता था। आरएम का ये प्यार जताना ही अनन्या को सबसे अच्छा लगता था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो आरएम के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। अनन्या को लग रहा था कि उनके लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से शायद उनका रिश्ता और निखर कर आए। वो जानती थी कि रिश्ता उनके लिए सबसे ज़रूरी है। अनन्या के अंदर तभी एक मस्ती भरा ख्याल आता है। वो आरएम के साथ मजाक करते हुए कहती, आरएम मुझे लगता है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तुम्हें डर है कि मैं कहीं यहाँ पर कुछ और काम ना कर दूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ कोई तुमसे भी बेहतर मिल जाएगा? ये बोलने के बाद अनन्या बड़े ज़ोरों से हंसने लगती। वो जानती थी कि आरएम उसकी बात इतनी आसानी से नहीं मानेगा। वो खुद ही अपने लिए मजाक पैदा कर रही थी। आरएम की बातें हमेशा अनन्या के दिल को घायल कर देती थी, इसीलिए वो चाहती थी कि उसकी बातों का भी आरएम पर कुछ वैसा ही असर हो। अनन्या भी जानती थी कि आरएम उससे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता, इसीलिए वो हद से ज़्यादा उसकी चिंता कर रहा था। आरएम मुस्कुरा कर बोलता, अनन्या ये सब सिर्फ तुम मुझे सताने के लिए कह रही हो ना, मेरे अलावा तुम किसी दूसरे मर्द की तरफ आग उठाकर भी नहीं देख सकती। आरएम की बात कहीं ना कहीं सही थी। अनन्या जब से आरएम से मिली थी तब से उसे सिर्फ और सिर्फ आरएम का ही ख्याल था। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरएम उसके ऊपर इतना भरोसा क्यों करता। एक अनजान देश में आने के बाद भी आरएम बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था। वो तुरंत आरएम से पूछती, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं किसी और की हो जाऊंगी? आरएम मुस्कुरा कर बोलता है, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार कर पाओ। अनन्या फिर उससे पूछती, अच्छा जी तो तुम्हें लगता है मुझ पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है? अगर मैंने यहाँ कुछ कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए तो फिर तुम क्या करोगे? अगर मैं किसी दूसरे मर्द के करीब आ गई तो तुम क्या करोगे? अगर मैंने उसे अपनी जिंदगी बना लिया तो तुम क्या करोगे? एक के बाद एक अनन्या ऐसे खतरनाक सवाल आरएम के सामने रख रही थी। वो देखना चाहती थी कि आरएम किस हद तक उससे प्यार करता है।
हरम तुरंत तेज आवाज में उससे बोलता है, अनन्या अगर तुम किसी दूसरे मर्द के करीब भी गई ना तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जिससे तुम बेपनाह प्यार करती हो। मेरे अलावा तुम और किसी के बारे में इतना नहीं सोच सकती। अनन्या को अभी भी मस्ती सोच रही थी, उससे बोलती है, तुम्हारे इसी रवैये की वजह से लड़कियां तुमसे दूर चली जाती होंगी। तुम्हें लोगों से प्यार से बात करना आना चाहिए। यहाँ मुझे वैसे भी कई सारे अच्छे हिंदुस्तानी लड़के दिखाई दे रहे, मुझे लगता है कि मुझे इन लड़कों से थोड़ा बात जरूर करनी चाहिए। अनन्या जानबूझकर आरम को सता रही थी। उसने अपने टेबल के पास खड़े कुछ आदमियों की फोटो से भेज दी थी। फोटो देखकर आरम गुस्से में अनन्या को एक मैसेज भेजता। वो मैसेज देखने के बाद एक पल के लिए तो अनन्या भी हैरान रह जाती। वो तो आरम के साथ मजाक कर रही थी, लेकिन आरम मैसेज में ऐसी बात कैसे लिख सकता था? ऐसी क्या बात थी जिससे अनन्या हैरान हो गई थी? आरम ने मैसेज में क्या लिखा था? क्या रक्षा सचमुच रमेश और अनन्या की शादी करवा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट शो बेबाक मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।